श्री महांकाल। दोस्तों हम हमारे गांव भिडवाल से बाहर आ चुके हैं और आज दिनांक 26 जुलाई 2021 श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। तो हम जा रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए जयंती माता धाम, जहां एक तरफ कुंडकेश्वर महादेव विराजमान है और एक तरफ जयंती माता धाम है और बीच में नदी है। तो बहुत ही प्यारा नजारा है और ऐतिहासिक नजारा है। तो आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार के दिन हम ब्लॉग बनाएंगे। तो दोस्तों हम जहाँ पर जा रहे हैं वो हमारे गाँव भिडवाल से 15 किलोमीटर दूर एक बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थल है और एकांत में वो मंदिर है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते भी हैं और बहुत सारे लोगों को वहाँ के बारे में पता नहीं है। तो आज हम हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से पूरी जानकारी आप सभी को देंगे। तो ये ब्लॉग पूरा देखना दोस्तों। तो दोस्तों आज का नजारा काफी प्यारा है और मौसम भी काफी प्यारा है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी वो भी अभी रुक गई है और मौसम बिल्कुल ठंडा है। बहुत ही बेहतरीन मौसम है। अगर आपको महाकाल के दर्शन करना आज जाना है तो सावन का प्रथम सोमवार है, आप जा सकते हो और बहुत ही प्यारा नजारा है। देख लीजिए दोस्तों ये हमारे इधर खेत के नजारे हैं। तो दोस्तों हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सावन में जो बारिश होती है वही अनुभव मिल रहा है बारिश का। बिल्कुल मस्त एक नंबर बौछार चल रही है। सावन सेरे जिसको बोलते हैं वो चालू हो गए हैं। तो दोस्तों आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। हम पहुंच गए हैं श्री उनकेश्वर धाम जयंती माता, जिसकी दूरी 1 किलोमीटर है और एक अच्छा रास्ता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
तो दोस्तों देख सकते हो ये जयंती माता धाम का एक और प्राकृतिक नजारा, जहाँ पर झरने की तरह पानी नीचे बह रहा है और ये जो आवाज अपन सुन रहे हैं वो काफी लुभावनी आवाज है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, नदी के एक तरफ उंदेश्वर महादेव विराजित है और एक तरफ जयंती माता धाम है जहाँ पर माता जी का मंदिर है। तो चलिए दोस्तों, जयंती माता धाम में अखंड ज्योत चलती है और यहाँ पर ये मंदिर है माता जी का, जो बहुत ही प्राचीन है और प्राकृतिक है। जय माता जी। दोस्तों तो हम आ गए जयंती माता धाम, जो काफी प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ का हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो यहाँ पर गुरुदेव से हम पूछते हैं कि यहाँ की क्या मान्यता है और किस तरीके का यहाँ का महत्व है। तो गुरुदेव, बहुत प्राचीन मंदिर है, माँ जयंती माता के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। हिंदू तो इनको मानने में माँ सरस्वती माता का रूप है। प्राचीन काल की गुफा है यहाँ पे, हर सावन महीने में एक सांप आता है, दर्शन करते सब लोगों मन से, तो श्रद्धा अनुसार से बात सब मनोकामना पूरी होती है जी। और ये अखंड जोत चलती है, इनके बारे में आप कुछ बताइए। ये बारे में चलती है। तो गुरुदेव, यहाँ पर मैंने सुना है कि कुछ लोग शेर का शिकार करने आए थे, तो यहाँ पर माता जी प्रकट हुए थे और उनका कुछ महत्व है, तो उस वजह से यहाँ पे पुराने लोग जो पहले के लोग बताते हैं कि यहाँ पे पहले शेर आता था, वो आए उनके शिकार करने के लिए जी। और शेर आया अंदर घुस गया मंदिर में जी, उनको मारने के लिए जैसे लोगों ने सब पत्थर से बंद कर दिया पूरा गुफा में जी। तो माता जी को बोला बाहर से, माता तुम्हारे सकते हो तो शेर को यहाँ से बाहर निकाल जी। जब से वो शेर ऊपर का ऊपर निकल गया जी, और मारने वाले बाहर खड़े रह गए जी। जब से माता जी के जयंती माता मंदिर हो गए। तो दोस्तों देख सकते हो, इस तरीके से गुरुदेव ने बताया, तो इस तरीके की महिमा है माता जी की, और काफी प्राचीन है, ऐतिहासिक मंदिर है और पहाड़ों के नीचे बैठे हुए माता जी साक्षात। यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे काफी सुंदर बनाते हैं इस धरातल को। तो दोस्तों ये YouTube का हमारा दूसरा व्लॉग था, जो आज सावन का प्रथम सोमवार है, तो हमने उंदेश्वर महादेव के दर्शन करवाए, जयंती माता जी के दर्शन करवाए।